Okay, here we can see that lots of species are there, like floating buttocks, many more kabutars, parrots we can see here. Here like बहुत सारी बतख अपन को देखने में मिल सकती है. सो आज से दो या तीन साल पहले ये जो ये बॉर्डर का एरिया है बहुत अच्छा था, लेकिन बट इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन एंड लाइक वी कैन सी ये इंसानों के जो किए कराए के कारण ये पूरा एरिया वेस्ट होता जा रहा है. तो यहाँ पे जितने भी ये फ्लोटिंग स्पेसीज जो जितने भी स्पेसीज रहते हैं ये सब कुछ लाइक फिनिश होती जा रही है. जैसे कि ये हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्पेसीज हैं जिनकी बायोडाइवर्सिटी में कैलकुलेशन में ये इनको भी इंक्लूड किया जाता है. सो आफ्टर ऑल इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन एंड सो यहाँ का पूरा जो पानी है वो बहुत गंदा हो गया है एंड इस गंदे पानी के कारण इनकी मृत्यु होती जा रही है. और हियर वी कैन से पहले यहाँ पे बहुत सारी फिशेज भी पाई जाती थी, बट नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड मानव के हस्तक्षेप के कारण ये जितने भी पशु पक्षी हैं इनके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है. और लाइक वी कैन लाइक यहाँ पे अपन देख सकते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा गंदा पानी हो गया है. बहुत यहाँ पे पहले ये कुछ भी घर वर नहीं थे, ये तालाब बहुत लंबा था और यहाँ पे बहुत सारे स्पेसीज रहते थे. यहाँ पे बहुत सारे ये कांटे वगैरह कुछ नहीं थे. यहाँ पे पहले एकदम साफ सुथरा था और यहाँ पे बहुत सारे लाइक अपन को फिशेज भी मिल जाती थी और ये बत्तख वगैरह बहुत मात्रा में ज़्यादा थी यहाँ पे. लेकिन अब इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन और मानव हस्तक्षेप के कारण ये सब कुछ बिगड़ता गया है. और तो बायोडाइवर्सिटी के डाटा के बेसिस के हिसाब से ये सब कुछ धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है. और यहाँ पे अपन बहुत सारे देख सकते हैं लाइक बहुत सारे स्पीशीज हैं, बट धीरे धीरे ये इनकी मात्रा में लुप्त होती जा रही है. आंकड़ों के हिसाब से पहले हमें बहुत सारे स्पीशीज पाया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी